हेलो गाइस, मैं हूँ विजय ब्लॉगर और आज हम खेलने जा रहे हैं लास्ट डे रूम सर्वाइवल। तो मैंने मेरी आईडी में लॉगिन कर लिया है। ये मेरा न्यू आईडी है, मेरे पिछली आईडी का 200 आवर कंप्लीट हो चुका था। तो मेरा न्यू आई डी है 51। लेकिन मैं देखता हूँ मेरा फ्रेंड ऑनलाइन है या नहीं। नहीं है। गाइस, अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो मेरा सर्वर देख लेना और उसमें आ जाना और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना और प्राइवेट चैट में बोलना भाई अब हमें आपके साथ खेलना है। ऐसे हमारा गेम लगभग स्टार्ट होने वाला है। गाइस, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप अपने बेस को मतलब जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर सकते हो। मतलब एक आपको फार्मिंग बेस बनाना है, एक मेन बेस बनाना है। फार्मिंग बेस आपको मैं लोकेशन बताऊंगा, वहाँ पे बनाना। वो मेरा गेम स्टार्ट हो चुका है। गाइस, ये क्या है? किसी ने मेरा कुछ उठाया है बैग में से, तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो मेरा फ्रेंड है। हम अपने स्लीपिंग बैग पे, कहाँ पे हो यार? यहाँ नहीं, नहीं देखिए लास्ट वाले पे होते हैं क्योंकि मुझे वहाँ पे फॉक्स मारने थे। यहाँ फॉक्स नहीं है यार, यहाँ पे फॉक्स होते थे पहले। सेफ ऑप्शन खोलने के लिए ये फॉक्स मारने थे। तो यहाँ तो नहीं है यार, मुझे कहीं और ही ढूंढने पड़ेंगे फॉक्स। इसको तोड़ते हैं इसको, तो अब यहाँ से जाते हैं। तो मैं आपको अपने मेन बेस जाके बताता हूँ। गाइस, मैं हमेशा अपना बेस क्रूड ऑयल पे ही बनाता हूँ। देखो ये फर्ने चालू छोड़ गए हैं वो दोनों। रुको एक मिनट, इनको सेटिंग कर देता हूँ सबको। आपको भी अगर नहीं आता है तो ये स्लिप्ट पे दबा के मिक्स कर दो और उसको मतलब जिसको फर मेल्ट करना है उसको डाल दो उसमें, तो चारों में बराबर बराबर चल जाएगा। ये है, इस पर आओ, यहाँ मिक्स करो, इसको दबाओ, ये अपना आप मेल्ट होता रहेगा। फिर इसको क्या हुआ, ये क्यों बंद हो गया भाई? मिक्स करो। आई होप आप सबको आ चुका होगा। अब मैं देखता हूँ इसमें भरा पड़ा है सामान। इसमें यार इसे कहता हूँ मैं जीपी बना लेता हूँ ना। ओके, हमारे पास चारकोल नहीं है, चारकोल अभी मेल्ट हो रहा है। भाई मैं भी आपको बताता हूँ फिर फार्मिंग बेस आपको कहाँ पे बनाना है। आप वहाँ जाओ फार्मिंग करो और बस अपने बेस को ऑपरेट करते रहो। मैं तो फार्मिंग ऐसे बहुत ही मुश्किल है, लैंड ऑफ डाउन में बहुत आसान है क्योंकि इसमें फार्मिंग बेस बन जाता है। देखो हम इसको फार्मिंग करता है भाई। भाई ये क्या हुआ, मुश्किल हाँ समझते हैं भाई। 1300 मुश्किल है, फिर क्या चाहिए? ये देखो भाई, इसमें पटक रखे कहीं भी पटक देते हैं यार ये चीज़ों को। कोई ना, चलो इसमें तो कुछ नहीं रखा। ये यहाँ पर लकड़ी पड़ा है, अब इसमें बताता हूँ मैं। देखो कितनी गन से, ये तो बहुत ही कम है अभी। अभी ये सेम भाई आ चुका है अपना, कोई इन्विटेशन भेजते हैं। वैसे मैं आपको बताता हूँ, एक नया मास्क आया है जो लेवल 2 में चाहता है। ये देखो ये वाला लेवल 2 का मास्क,
हमारा बेस आपको डिज़ाइन बताता हूँ, मैं बाहर से देखती हूँ, थोड़ा सिक्योर कर रहा है ये देखो। शायद गाड़ी वाड़ी लाए क्या? हाँ शायद गाड़ी वाड़ी है, हाँ गाड़ी बना ली यार। ठीक है चलो कोई ना, मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया है बेस, सिक्योरिटी के लिए सही है। चलो सामने एक बंदे का बेस है, ये हमारा बेस देखो छोटा सा, यहाँ से घूमो यहाँ संदूक पटक रहा है तो कुछ ना, बस ऐसे फालतू चीज़ें भर रखी है ना। ये लिफ्ट है सेकंड फ्लोर पे जाती है, कुछ नहीं है सेकंड फ्लोर पे भी बनाएंगे अपग्रेड करेंगे यार। सर्वर स्टार्ट 2 दिन हो गए, हमने अभी तक पॉइंट कलेक्ट नहीं किए। ये भाई रेड रेड क्यों दिख रहा है, तो कुछ बोला क्या रावण ने, क्या बोला था? भाई जीपी तो बन गया, खूब सारा बनता है, हेलमेट भी ले आए बंदे। भाई हम 4 जनों की टीम है, बहुत तगड़े खेलते हैं हम तो, लास्ट में बहुत रेड करते हैं तो पॉइंट बहुत सारे हो जाते हैं। हमें बताओ फार्मिंग बेस, देखो एक तो यहाँ पे कोस्टल बेसिन तो बनाना है आपको, वो एक यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे बहुत लूट पाती है, और देखो एक इधर की साइड होता है यहाँ पे, और एक मेरी केविन है यहाँ पे होता ही है, एक यहाँ पे, एक साइलेंट प्लान पे तो बहुत सारा होता है भाई, वहाँ तो पूछो ही मत, तो बहुत सारा मिलता है साइलेंट प्लान पे, तो आप थक जाओगे फार्मिंग कर कर। यार ड्रॉप आ रहा है, लेकिन ड्रॉप कहाँ गिरता है यार, इससे बोलता हूँ मैं, ड्रॉप आ रहा है। देखिए कोशिश करते हैं अगर लूट लेने, चाइनीज यार लूट नहीं देते ड्रॉप को, चाइनीज भाई बहुत ख़राब होते हैं यार, जाने के लिए बहुत बुरी तरह से फैलते हैं साले। भाई रॉकेट बेस आ रहा है यार, जा तो सकते हैं वहाँ पर, अपना बेस है, आई होप जाना तो नहीं चाहिए यार, क्योंकि साले चाइनीज लूट के ले जाते हैं यार। मुझे सबसे बुरे लगते हैं चाइनीज सर्वर में, ये भी सो गया लो। जीपी बन रहा है यार, थोड़ा जीपी और दे रहा है इसको, बंदे दो चलते हैं। गाइस आप शुरू में अगर न्यू प्लेयर हो तो बेस छोटा ही बनाना, ज़्यादा बड़ा बेस बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको अपग्रेड करने में बहुत ही टाइम लगता है, छोटा बेस सही रहता है। ऐसे करता हूँ मैं, थोड़ा बहुत वुड लेके आता हूँ, वुड की शॉर्टेज है यार, वो कहाँ गया अपना एक्स, यही तो रखता है ये रहा। चलो जीपी बनने वाला है, ले आते हैं थोड़े बहुत, कहने दो यार सीधा फार्मिंग करने चले गए। आपको क्या करना है वहाँ पे, स्लीपिंग बैग लगाना है और एक बेस छोटा सा नॉर्मल सा स्लीपिंग बैग लगा के केबिन भर दो उसमें, और मेंटेनेंस डाल दो, और वहाँ पे सेल्फ होके वहाँ चले जाओ आराम से, हम फार्मिंग करो वापस सेल्फ होके आ जाओ, पूरा सामान आ जाता है यहाँ यार। अभी भी टाइम लगेगा इसको तो, वो तो कैनन में गोलियाँ कैसे चल, ऑन तो नहीं, ऑन कर दो इसको अगर कोई आए तो, ठीक है ना। एक ये सो रहा अपना बंदा, इसमें इस पर कुछ नहीं है भाई, ये क्या हो रहा है, इन पर डैमेज क्यों जा रहा है, इसने दिया डैमेज, मेंटेनेंस तो है ना, और मेंटेनेंस तो है अच्छा होगा। हमको डीप रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी चाहिए यार,
उसके लिए रूम करना पड़ेगा, और अभी तो चाइनीज रूम ही नहीं करने देते। चाइनीजों का तो बहुत ही ज़्यादा घटिया संकट है यार, साले खेलने देते। और हमें हमें ना मेरा फ्रेंड और मिल गया है यहाँ पे, मेरे साइड में बेस बना रखा है उसने। फ्रिज में क्या है? बैंडेज ऐसे, चलो ऐसे करता हूँ एक पी लेता हूँ। चलो अपना जूती भी बनने वाला है, बस चलते हैं। फार्म बेस आपको बताता हूँ, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में ज़रूर बोल दें, मैं आपको 100% अगर मुझसे हो सकता है तो मैं बताऊंगा, या तो मैं सर्च करके बताऊं कैसे बताऊं आपको, प्रैक्टिकली ज़रूर बताऊंगा। बस आपको मतलब न्यू प्लेयर है ना, अगर कुछ भी पूछ सकते हैं। ये वापस आ चुका है गाइस, धूप भी आ गया है, लगभग 2 मिनट हो गए। चलो जीपी बन गया, मैं चलता हूँ फार्म बेस लेके। हेलो गाइस, जीपी हो गया लगभग तैयार, हो गया। अरे आपको सेटिंग पे दबाना है, सेल फोन है, अगर आपको नहीं आता है तो नहीं तो बाय द वे सबको पता है मैंने यहाँ का ये वाला स्लीपिंग बैग ले लिया है, और यहाँ पे होता हूँ भाई। मेरी मानो ना तो शॉर्ट गन से फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, जल्दी से हो जाता है। ये देखो मैंने कर रखी है यहाँ पे गोल या एमएफएम हो लिया। ये कौन है भाई, जाने कौन का रिक्वेस्ट आ रहा है, पता नहीं। अपन तो अपने पर ध्यान दें, ठीक है रिक्वेस्ट देते हैं, पता लगता है हमारे देश यहाँ पर इनका फिर इससे करना है तो रिक्वेस्ट ना देखो। देख लो ध्यान से, कोलिस्टन कोस्टल बेसिन यहाँ पे आना है आपको। ओके ओके, तो बहुत फार्मिंग भाई, लूट के जाओ बस। अगर आप करते जाओगे ना तो आपको 15-20 हज़ार तो ये कितना मिलेगा, 5-6 हज़ार आयरन मिल जाता है, इधर 2-3-4 हज़ार सल्फर मिल ही जाता है। सल्फर की देखो कम मिलता है क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा है, जिसका टाइटेनियम भी लगभग 60 एक ही बार में। लेकिन हमें टाइटेनियम फार्म इतना नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर एक नहीं आ रहा है, मेरे से शायद अपडेट करा दूँ, एक नहीं आ रहा है, हमें करके खोला नहीं, जल्दी खोलेंगे हमसे। ये कहाँ पर मार्क दे रहा है भाई, कहीं नहीं दे रहा है भाई। सोलह सौ वापस फार्मिंग कर जाती है, आप लगभग एक घंटे बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हो, हर 10 मिनट 1 घंटे की बात फार्मिंग करेंगे। फोटो कितना जल्दी बेटा बेटा 5 हज़ार तुम 30 हज़ार भाई बहुत, अगर दिन भर कर लोगे ना तो पूरे सर्वर नहीं चलेगा। ये क्या यार कौन है, अगर आपको आना है ना तो पहले एक प्राइवेट केस में बोल देना कि भाई मैं आपके क्या हूँ, आपने साथ आप मेरे पास चीन एक बार कमेंट में लिख देना कि हाँ सर्वर दे देना तुम, मेरा पसंद पूरा वीडियो लास्ट में आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, मतलब बहुत अच्छे तौर पर दूँगा। और यहाँ से आपको सही करना, अगर आप फार्म करेंगे तो यहाँ पे जाओ, फिर से घूमते हुए यहाँ पे आना, यहाँ से वापस देख रहे, ठीक है नया ऐसा देखो, यहाँ से आपको जाना यहाँ पे, फिर इधर घूमना है, यहाँ घूमना भाई गाइस बोट है बोट गाइस। अपने पे एमओ नहीं है, एमओ लाना पड़ेगा यार, ठीक है ना। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो आपको रुको एक मिनट बेस पे जाएगी गाइस, यहाँ पे आना है, ये तो अपना मेन बेस है, यहाँ पे ए के पास है ना, फिर आपको जाना है यहाँ पे, फिर एन की बी की इधर होके यहाँ पे इधर फिर इधर वापस बेस आ जाना है भाई। आपको बहुत सारी फार्मिंग मिल जाती है, ठीक है। मैं यहाँ से फार्मिंग लेके जा रहा हूँ अभी, गन को रखते हैं यहीं पे, एक को भी यहीं कर देते हैं, स्टोन भी उठा देते यार यहाँ से, क्या फ़ायदा। सेल्फ हो गया, जाता हूँ अपने मेन बेस, वहाँ से एमओ लेके आता हूँ अभी। एमओ बनानी पड़ेगी, एमओ पड़ी है यार, नहीं चलो मैं इनको तो रखता हूँ अभी पहले। यार वुड वॉर खत्म हो गए भाई, शॉर्टेज आ गई भाई, मैं स्टोन को रखता हूँ, गोलियाँ बन रही है भाई, बहुत फार्म हो गया अपने पास लगभग भाई। कौन आ गया भाई, अच्छा उसने टीम छोड़ दिया, इसको मैं रखता हूँ इधर,
रखना, गोली को नहीं रखना यार, यार मुझे वहाँ से केबिन कर लाना पड़ेगा आयरन। आपको बेसिकली नए बंदे होना तो आपको करना कुछ नहीं है सबसे पहले ना, ये मार्केट है ना जो भी ये दिख रहे हैं ना आपको इंडस्ट्री जोन, इन पे भी ग्रीन ग्रीन, इनको लूटना है सबसे पहले और इनके पास में बेस बनाना, फिर यहाँ से मिलेगा आपको मास्क एंड वायर मिल जाएगा। वायर के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, जिसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है रूम करना है, मास्क जाना, मास्क पहन के रूम करना है आपको, वहाँ से मिलेगा आपको लेवल 2 का मास्क ब्लू रूम से, जिसके बाद आप इस पर्पल वाले में जा सकते हो। फिर वैसे ये क्रूड ऑयल पे है, यहाँ शिपिंग पोर्ट है, इसके पहले आपको सिंपल मास्क लेके यहाँ जा सकते हो ना, और यहाँ से तो आप लूट इनको लूट लेना सबको। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं बता भी दूंगा आपको कि रूम कैसे करना है, जनरेटर कहाँ होता है, आप बोल देना कमेंट में, एक बार मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। और कौन सी जगह का चाहिए आपको, ये कहाँ गया भाई, कहाँ गया, टीम से क्यों निकला यार, चार की तो था वो, गया शायद, गया ऑफलाइन गया था मेरे को ना, मैं जाता हूँ, एमओ एमओ हो गई है, 10 मिनट में पार में आ जाती है आप, मुझे एमओ वहाँ लेके जाऊँ। अरे यार एमओ तो यहीं गिर गया आधी, तो कोई ना थोड़ी बहुत चली गई, दोबारा हमें ले जाएंगे। यहाँ से स्टोन उठाना है अपने को भाई, एक बार एक साल है फिर टाइटेनियम फार्म करते हैं यार। इसको अपग्रेड करूँ क्या, नहीं यार इन दो नहीं, नहीं फालतू ये तो। गाइस अभी टाइम हो गया है 7:47, 8 बजे मैं ऑफलाइन जाता हूँ, फिर आऊँगा वापस बाद में आऊँगा। अबे बेस को किसने डैमेज दिया यार, इधर तो है अपग्रेडेबल है, इधर नहीं देन अपनी क्या जा रहा है, नुकसान सालों का। अब मैं सेफ होता है वापस, वो एमओ बाद में लेके जाऊंगा यार, अभी तो क्या करूंगा उनको ले जाके, अभी फार्मिंग भी नहीं आई है, इनको तो केबिन में डाल दूँ और अपन जाते हैं वुड कलेक्ट करने। वुड आप शॉटगन से फार्म कर सकते हो भाई, लेकिन मैं मेरे को ना करना अभी, अभी मेरे को थोड़ा फास्ट नहीं है, आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सेफ्टी है अपने देश, कोई दिक्कत नहीं है लगो। अरे यार मैं एक भी एकदम न्यू ही लाया हूँ, थोड़ी सी वुड में टूट जाएगा, क्या रखे गए हैं इसकी बहुत सारे, ये तो ऐसे फालतू चीज़ें रखे गए। यहीं से ले लेते हैं यार, पड़ा हुआ है ये पड़ा ना, चलते हैं थोड़ा बहुत वुड करना यार। वैसे अगर आपको ये डबल डोर लगाना है तो वो भी बोल देना मुझसे, भाई ड्रॉप लूट लिया चाइनीजों ने, लूटा सालों में, हर बार वही लूटते हैं। गाइस मेरा दोस्त योगे आ चुका है, इसको मैं ले रहा हूं, इधर मैं मुझे समझा ये तो मार, मुझे बोल रहा है स्कूल नहीं गए क्या, किसी बात पे लाइक करे सब्सक्राइब करे। हम नहीं है गाइस, ये पागल है बिल्कुल, सेल पर ही काम करना है, ये देखो अपना बेस कितना बड़ा दिखता है। गाइस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको फार्मिंग सीधी नहीं करनी है, बस खड़े खड़े जॉयस्टिक को लेना है इधर उधर घुमा के ऐसे करना है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि ये पैटर्न में फार्म करनी है,
उसका मतलब बोम वेस्टेज बहुत सारा हो जाएगा। आप ना वॉल को स्टील मत किया करो, बस सिर्फ डोर को कर दो, क्योंकि इसका डोर को तोड़ने में लगता है ना उससे कम अपग्रेडेबल वॉल को भी उतना ही तोड़ने लगता है। जैसे आप अगर वुड की वॉल तोड़ोगे ना और स्टोन का डोर तोड़ना बराबर है, सेम है दोनों, दोनों में सेम बोम लगेगा चार चार। हाँ तो गाइस मिलते हैं आपसे, बाय बाय।